कहीं आपको भी ब्लैक फंगस होने का खतरा तो नहीं है? जानिए इस बीमारी के बारे में सब कुछ। तो सबसे पहले तो ब्लैक फंगस क्या है? म्यूकोमाइकोसिस या ब्लैक फंगस एक दुर्लभ फंगल संक्रमण है जो मिट्टी में रहने वाले या सड़ने वाली सब्जी के बीजाणुओं को अंदर लेने से होता है। यदि हम बात करें कि इस बीमारी के होने का जोखिम किन किन लोगों को हो सकता है, तो उनमें होंगे नंबर एक, कोविड रोगी जो लंबे समय तक स्टीरॉयड या इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स थेरेपी ले रहे हैं। नंबर दो, डायबिटीज या कैंसर से अति पीड़ित मरीज या वो लोग जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो। या नंबर तीन, दूषित ट्यूबिंग के साथ लंबे समय तक ऑक्सीजन सपोर्ट ले रहे मरीजों को। यदि हम इस बीमारी के प्रारंभिक लक्षणों की बात करें तो वो होंगे नंबर एक, चेहरे में सूजन या दर्द होना। नंबर दो, बंद नाक और सिर दर्द होना। नंबर तीन, देखने की समस्याएं या आँखों में दर्द होना। नंबर चार, नाक से भूरे रंग का स्राव बहना। नंबर पाँच, मुंह के ऊपरी या भीतरी भाग पर काले घाव होना। नंबर छः, बुखार, सीने में दर्द या सांस की तकलीफ होना। और आखिरी में यदि हम इस बीमारी के रोकथाम की बात करें तो नंबर एक, आपको अपने ब्लड शुगर के स्तर को कठोर नियंत्रण में रखना चाहिए। नंबर दो, स्टीरॉयड्स का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलामती के बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नंबर तीन, अगर बीमारी होने के कोई भी लक्षण नज़र आते हैं तो तुरंत ही अपने किसी नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इस बीमारी का जल्दी पता लगना ही इसके एक सफल इलाज का पहला कदम होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें। और फिलहाल देश में ब्लैक फंगस के बहुत से केस निकल के आ रहे हैं, तो इस बीमारी के बारे में ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाएं, जागरूकता बनाए रखें और रोकथाम के नियमों का पालन करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और पॉकेट हेल्थ से जुड़े रहें। धन्यवाद।